हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्रत स्पेशल वड़े की रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी और साथ ही मैं इसमें कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिससे कि आपके वड़े ठंडे होने के बाद भी क्रिस्पी बने रहेंगे और अंदर से सॉफ्ट और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं आप इसे व्रत में ही नहीं ऐसे भी बना के खाना पसंद करोगे। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। इस वड़े को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 6 मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिसे मैंने उबाल लिया है और इसके छिलके को मैंने हटा दिया है। यहाँ पे आपको आलू को एकदम ठंडा करके नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है फ्रेंड। आप देख सकते हैं कि इसमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा है, मतलब कि हमारा आलू गर्म है। तो इसे आपको मैसर की मदद से मैस लेना है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन इजीली मैस हो जाएगा गर्म रहेगा तो। आपको आलू को बहुत फाइन मैस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इस वड़े को एकदम क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे साबूदाना। मैंने यहाँ पे आधा कप साबूदाना लिया है। यहाँ पे मैंने बड़े वाले साबूदाने का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो यहाँ पे छोटे वाले साबूदाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी में आपको साबूदाने को फुलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसे हम एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसका हम फाइन पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे हमने साबूदाने को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड साबूदाने का पाउडर बन गया है। आप देख सकते हैं एकदम फाइन नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह का ही हमें चाहिए। इसे हम उबले हुए आलू में डाल देंगे। अब वड़े को एकदम टेस्टी चटपटा बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसमें हम कुछ मसाले लेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 इंच अदरक जिसे मैंने छील कर छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है जिससे कि इसे पीसने में आसानी हो। और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 4 से 5 हरी मिर्च। अब मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा पसंद हो। और डाल देंगे इसमें 1 छोटा चम्मच खड़ा जीरा और 1/2 चम्मच काली मिर्च, ये 10 से 12 काली मिर्च है। अगर आप व्रत में काली मिर्च या जीरा नहीं खाते तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। इसमें हमें पानी नहीं डालना, बस इसी तरह से हमें इसे ग्राइंड कर लेना है, मतलब कि हमें इसे एकदम फाइन नहीं पीसना है, दरदरा ही रखना है। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से पीस लिया है। अब देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम फाइन बिल्कुल नहीं है। तो इसे भी हम साबूदाने और आलू में डाल देंगे और साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 छोटा चम्मच नमक। मैं यहाँ पे सेना नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप व्रत में जो नमक खाते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे इसी तरह से खाने के लिए बना रहे हो तो आप इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिएगा फ्रेंड, और थोड़ा सा चाट मसाला, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब इसे आपको अच्छे से गूंथ लेना है जिससे कि एकदम डो की तरह बन जाए। आप चाहें तो यहाँ पे हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे ख़त्म हो गया था इस वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे हमारा डो रेडी है, तो हाथों को क्लीन कर लेंगे और थोड़ा सा हाथों में घी या तेल लगा लेंगे और इसके हम छोटे छोटे लोई कट कर लेंगे। इस तरह से हम रोटी का लोई लेते हैं, बस उतना ही बड़ा लेना है। आप इसकी साइज अपने हिसाब से ले सकते हैं। स्मूथ करते हुए इसे हम हल्का फ्लैट कर देंगे। यहाँ पे हमें ना ही कोई कुकिंग कटर या कोई ढक्कन का इस्तेमाल करना है, इसे हम फिंगर की मदद से बनाएंगे। तो इसमें आप बीच में सेंटर में एक फिंगर से होल कर दें, ये देखिए फ्रेंड इजीली हो जाता है, ना ही आपको किसी ढक्कन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई कुकिंग कटर की, फटाफट से बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा वड़ा बनकर तैयार है। बस इसी तरह से हम यहाँ पे सारे वड़ों को बना लेंगे। मैंने आपको इस रेसिपी में गर्म आलू का इस्तेमाल इसलिए करने के लिए बोला, अगर आप इसमें ठंडे आलू का इस्तेमाल करते तो आलू चिपचिपे हो जाते और जब साबूदाने डालते तो उसमें साबूदाना आपको ज़्यादा डालना पड़ता। इस वजह से आलू को गर्म रखेंगे तो साबूदाना कम पड़ेगा और क्रिस्पी एकदम परफेक्ट बनेगा, बहुत कड़ा भी नहीं बनेगा और वड़े भी आपके फटेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमने सारे वड़ों को बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से वड़ों को बनाकर एक कंटेनर में बंद करके फ्रीजर में 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। और जब भी आपको इसे खाने का मन करे तो आधा घंटा पहले वड़ों को निकाल दें और उसके बाद इसे फ्राई कर लें तो आपके वड़े तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जहां हम वड़ों को फ्राई करेंगे। यहां पे मैंने गैस पे एक पैन में घी गर्म होने के लिए ले लिया है, आप इसे तेल या फॉर्चून जिसमें भी फ्राई करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। यहां पे हमारा घी अच्छे से गर्म है तो इसमें हम वड़ों को डाल देंगे और वड़ों को डाल के आपको इसे तुरंत टच नहीं करना है। जब नीचे से ये हल्का सा सेक जाएगा तब आप इसे स्पून या चम्मच की मदद से पलट ले और दोनों साइड अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करें।
अगर आप व्रत में साबूदाना नहीं खाते तो आप साबूदाने की जगह 4 चम्मच सिंघाड़े का आटा ले लें और उससे बनाएं, तो भी आपके वड़े एकदम क्रिस्पी बनेंगे। और आपको एक बात याद दिला दूं कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलता रहे। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमारे वड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसमें कलर भी बहुत अच्छा आया है, ये देखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बचे हुए वड़ों को भी हम फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड, कितने क्रिस्पी बने हैं हमारे वड़े, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो आप इसे हरी चटनी या दही के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।